चंद सिंह गढ़वाली का जीवन परिचय। चंद सिंह गढ़वाली एक भारतीय सैनिक थे। भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के नायक के रूप में याद किया जाता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को हुआ था और 1 अक्टूबर 1979 को उनकी मृत्यु हो गई। चंद्र सिंह के पूर्वज गढ़वाल की राजधानी चांदपुरगढ़ के थे। चंद सिंह के पिता का नाम जलौत सिंह भंडारी था और वह एक अनपढ़ किसान थे। चंद सिंह ने अपनी मेहनत से ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्हें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार करने के लिए याद किया जाता है। वह थोड़े समय के लिए साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ रहे। चंद्र सिंह गढ़वाली ने 3 सितंबर 1914 को चंद्र सिंह सेना में भर्ती होने के लिए लैंसडाउन पहुंचे और सेना में भर्ती हो गए। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था। 1 अगस्त 1915 में चंद्र सिंह को अन्य गढ़वाली सैनिकों के साथ अंग्रेजों द्वारा फ्रांस भेज दिया गया, जहां से वे 1 फरवरी 1916 को वापस लैंसडाउन आ गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1917 में चंद्र सिंह ने अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया के युद्ध में भाग लिया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। 1918 में बगदाद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा कई सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया और इसमें चंद्र सिंह भी थे। इन्हें भी हवलदार से सैनिक बना दिया गया था, जिस कारण इन्होंने सेना को छोड़ने का मन बना लिया और इन्हें कुछ समय का अवकाश भी दे दिया। इसी दौरान चंद्र सिंह महात्मा गांधी के संपर्क में आए। कुछ समय पश्चात इन्हें इनकी बटालियन समेत 1920 में वजीरिस्तान भेजा गया। वहां से वापस आने के बाद इनका ज्यादा समय आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के साथ बीता और इनके अंदर स्वदेश प्रेम का जज्बा पैदा हो गया। पर अंग्रेजों को ये रास नहीं आया और उन्होंने इन्हें खैबर दर्रे के पास भेज दिया। इस समय तक चंद्र सिंह मेजर हवलदार के पद को पा चुके थे और हुक्म दिए कि आंदोलनरत जनता पर हमला कर दें। पर इन्होंने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। इसी ने पेशावर कांड में गढ़वाली बटालियन को एक ऊंचा दर्जा दिलाया और इसी के बाद से चंद्र सिंह को चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम मिला और इनको पेशावर कांड का नायक माना जाने लगा। अंग्रेजों की आज्ञा न मानने के कारण इन सैनिकों पर मुकदमा चला। गढ़वाली सैनिकों की पैरवी मुकुंदी लाल द्वारा की गई, जिन्होंने अथक प्रयासों के बाद इनके मृत्युदंड की सजा को कैद की सजा में बदल दिया। 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली को 14 साल के कारावास के लिए एबटाबाद की जेल में भेज दिया गया, पर इनकी सजा कम हो गई और 11 साल के कारावास के बाद इन्हें 26 सितंबर 1941 को आजाद कर दिया। गांधी जी इनके बेहद प्रभावित रहे। 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने इलाहाबाद में रहकर इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और फिर से 3-3 साल के लिए गिरफ्तार हुए। 1945 में इन्हें आजाद कर दिया गया। 22 दिसंबर 1946 में कम्युनिस्टों के सहयोग के कारण चंद्र सिंह फिर से गढ़वाल में प्रवेश कर सके। 1957 में इन्होंने कम्युनिस्ट के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, पर उसमें इन्हें सफलता नहीं मिली। 1 अक्टूबर 1979 को चंद्र सिंह गढ़वाली का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। 1994 में भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया तथा कई सड़कों के नाम भी इनके नाम पर रखे गए।